हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो गुड मॉर्निंग, और मॉर्निंग के साथ साथ आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ढेर सारा पूरी जो है ना रखा हुआ है बेल करके, और इसे सबसे पहले हम तल लेंगे। आप सोच रहे होंगे जो मकर संक्रांति के दिन पूरी कौन खाता है, तो हाँ जी आप लोग सही सोच रहे होंगे, क्योंकि पूरी मैं इसलिए तल रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं घर में और चूड़ा दही कितनी बार खाएंगे, एक से दो बार तो नहीं खा सकते ना, एक ही बार सुबह सुबह खाएंगे, इसके बाद कुछ अलग भी खाना होता है। और खिचड़ी बनती है मकर संक्रांति के दिन, बट वो रात में बनाएंगे, सुबह में नहीं। तो इसलिए मैं सोची जो सब्जी बना हुआ है ऑलरेडी, तो पूरी बना करके रख देंगे, तो जब जो मन होगा अपना ले करके खा लेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले पूरी को तल लेती हूँ। सब्जी ऑलरेडी मेरी बन चुकी है, आलू मटर की सब्जी, तो फटाफट पूरी को बना लेंगे और इसे निकाल लेंगे। आप लोगों के इधर मकर संक्रांति के दिन क्या सब बनता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोगों का खास जो बनता है ना मकर संक्रांति के दिन, वो खिचड़ी बनता है, और बाकी चूड़ा दही लाई तिलवा वगैरह जो होते हैं, जैसे मुरमुरा की लड्डू हुई, इसके साथ तिल का लड्डू, यही सब बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पूरी को तल लेंगे, और पूरी तलना सबसे आसान काम होता है क्योंकि ठंड के टाइम में गैस के पास खड़ा रहना अच्छा लगता है, यही गर्मी का टाइम हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ठंड में आप गैस के सामने खड़े रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छा लगता है। तो हमें सोचे सबसे पहले से यही काम कर ले, तो क्योंकि सुबह सुबह नहाने के बाद पूजा करने के बाद थोड़ा ठंडा ज़्यादा लग रहा था, तो मैं सोची ये काम पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारा मैंने पूरी बनाया, ढेर सारा नहीं बनाया फिर भी हाँ बनाया है, तो एक टाइम चल जाती है। यहाँ पे सारा पूरी जो है ना मेरा बन चुका है इस तरीके से, और चलिए इसके बाद हम दिखाते हैं और क्या सब निकाल के रखते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने निकाल रखा है ये चूड़ा, हम लोग के इधर चूड़ा बोला जाता है, बहुत जगह इसे चेड़ा बोला जाता है। इसके साथ यहाँ पे दही है, दही मैंने दो जगह जमाई थी, एक मिट्टी वाले बर्तन में तो ऑलरेडी यूज हो चुकी है, थोड़ा बहुत उसमें भी बचा, और ये पूरा भी बचा हुआ है। इसके साथ यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ दो तरीके का अलग अलग, यहाँ पे ये मुरमुरा वाला लड्डू, इसके साथ चूड़ा का लड्डू। इसके साथ यहाँ पे है पीनट चिक्की और तिल की चिक्की, इसके साथ यहाँ पे आलू मटर की सब्जी। तो यही सब बना है आज, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।